नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन पोस्ट। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। नेटफ्लिक्स ने हाल ही में पासवर्ड शेयरिंग से बचने के लिए प्रोफाइल ट्रांसफर फीचर का ऐलान किया था। लॉन्चिंग के समय कंपनी ने कहा था कि ये फीचर ग्लोबली रोल आउट किया जा रहा है और धीरे धीरे इसका नोटिफिकेशन सभी को मिलने लगेगा। लॉन्च के कुछ दिन बाद ही प्रोफाइल ट्रांसफर फीचर भारत में उपलब्ध करा दिया गया। कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि उसके भुगतान करने वाले ग्राहकों को अपग्रेड के संबंध में ईमेल मिलना शुरू हो गए हैं। कंपनी ने कहा, हम आपकी भुगतान जानकारी कभी भी ट्रांसफर नहीं करेंगे और साथ ही बच्चों की प्रोफाइल को भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक प्रोफाइल से जुड़े सभी सेव किए गए गेम और गेम की प्रोग्रेस नए अकाउंट में चली जाएगी। अगर आप भारत में रह रहे हैं और आप अपनी नेटफ्लिक्स प्रोफाइल को एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपको किन किन स्टेप्स का फॉलो करना होगा। सबसे पहले एक वेब ब्राउजर में नेटफ्लिक्स खोलें और उस अकाउंट में साइन इन करें जिसमें वेब प्रोफाइल है जिसके साथ आप एक नया अकाउंट शुरू करना चाहते हैं। अब आपके द्वारा खोले गए नेटफ्लिक्स अकाउंट में अकाउंट पेज पर जाएं। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोफाइल पैरेंटल कंट्रोल सेक्शन पर जाएं। इसके बाद उस प्रोफाइल को सेलेक्ट करें जिसके साथ आप एक नया अकाउंट शुरू करना चाहते हैं। ट्रांसफर प्रोफाइल सेक्शन में ट्रांसफर लिंक को सेलेक्ट करें। वह ईमेल पता और पासवर्ड डालें जिसका इस्तेमाल आप नए नेटफ्लिक्स अकाउंट में करना चाहते हैं। नए अकाउंट सेटअप को समाप्त करने के लिए ऑन स्क्रीन गाइड को फॉलो करें। इस फीचर के तहत यूजर्स को नया अकाउंट बनाने पर व्यू हिस्ट्री, पसंदीदा वीडियो और शो की सेव लिस्ट, सेव गेम समेत बाकी सेटिंग्स नए प्रोफाइल पर भी आसानी से मिल जाएगी। अगर आप किसी दोस्त या परिजन में मेंबरशिप में अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो तब अपना खुद का मेंबरशिप लेंगे तो आपका पूरा निजी डेटा आसानी से खुद के मेंबरशिप में स्विच हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।